एक बार सुनवाते हैं कि बिल पेश होने से पहले उनके क्या विचार थे। बताया जा रहा है कि इसे फिर पारित भी कर दिया जाएगा और राज्य में लागू होगा, इसे कैसे समझ रहे हैं आप? राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रण समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आपने सत्र का एक्सटेंशन किया है। तो एक्सटेंशन का अर्थ है कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। प्रश्नकाल होगा, लोक महत्व के प्रश्न उठेंगे और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा इसका पारण करना है, और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं, 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उसे त्यागपत्र दे रहे हैं। मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है, मगर केंद्र से मेरी शिकायत यह है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया, आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती जो सारे देश के ऊपर लागू होता। हमारे यहाँ जो कानून बनेगा भी तो वो हमारी सीमाओं के लिए होगा, कहीं दूसरे के लिए तो नहीं होगा। और फिर इसके जरिए, इस टोकनिज्म के जरिए आपने ये ऐसा करने दे करके उत्तराखंड को एक गलत परंपरा डाल दी है। अब दूसरे राज्य भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश के अंदर वो दूसरे समुदायों के वैयक्तिक परंपराओं और संस्कारों आदि में जो है दखल कर सकते हैं। एक अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए, सपोज करिए तमिलनाडु के अंदर जो है कुछ लोग मातुल कन्या से भी विवाह करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। अब वहाँ की सरकार यदि कोई ऐसा कानून बनाए जिससे इन एक वर्ग के ऊपर उसकी परंपरा के ऊपर कानून को थोप दिया जाए तो उससे असंतोष पैदा होगा। आप मणिपुर को ले लीजिए, वहाँ दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ आमने सामने खड़ी हो गई हैं केंद्र सरकार की गलत नीतियों से। यदि वहाँ की मैतेई समुदाय को खुश करने के लिए वहाँ की राज्य सरकार जो है कोई ऐसा कानून बनाती है जो ऐसा व्यक्ति कानून बनाती है जो जिसको वहाँ की कुकी समुदाय के ऊपर थोपा जाए जो उनकी परंपराओं के विरोध में हो, तो इससे मणिपुर हमेशा के लिए आग में आप झोंक देंगे। और दूसरे राज्यों में भी इस तरीके की परंपराएं हैं, ट्राइब्स में भिन्नताएं हैं अपने परंपरागत जो संस्कार हैं उनके, उनमें उनकी मान्यताओं की भिन्नता है, तो उन भिन्नताओं एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ पर्सनल लॉ को इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए इससे देश के भविष्य के लिए ये चिंता का विषय है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए ये एक खतरनाक संकेत आपने बना दिया है। तो इसलिए मुझे शिकायत केंद्र सरकार से है कि आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे राज्य को टोकनिज्म के लिए छांटा और एक गलत परंपरा को पूरे देश के अंदर प्रारंभ कर दिया। अब चूंकि अगर ये पास होता है तो उत्तराखंड राज्य होगा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, उसके बाद फिर हेमंता बिस्वा भी कह रहे हैं कि अपने राज्य में लागू करवाएंगे या और स्टेट में भी लागू होगा, अब भिन्नताओं को कम करने के लिए ही मैं कह रहा हूँ यदि ये इतना ही अनूठा है कार्य है
और इतना ही हितकारी है, देश हित में है, तो आप दिल्ली में क्यों नहीं ला रहे, केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही? पहले काल आए, CAA लाए, आपने पारित भी करवा दिया दोनों सदनों से, लेकिन लागू क्यों नहीं कर पाए आप? क्यों नहीं कर पाए बताइए, कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि उससे भी कई कई समुदायों के हितों पर चोट पहुंच रही थी, इसलिए आपको लगा कि ये देश के लिए खराब हो, मुश्किल हो सकती है, तो आपने लागू नहीं किया उसको। अब जो है, अब उसको आप, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया जब एक राज्य का रह गया? यूनिफॉर्मिटी तो तब रहेगी ना जब आप संविधान की भावना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अनुसार सारे देश के लिए एक लाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आज जो बिल, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश होगा, ये पास भी हो जाएगा? आप जब आप कोई नियम कानून परंपरा का पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो आप तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं राज्य सरकार के विवेक से अपील करना चाहता हूं कि इसके अध्ययन का पूरा मौका, अवसर दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, और इसके पारण में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए हम कई कानूनों को प्रभावित करने का काम करेंगे, जो एग्जिस्टिंग वो हैं उन पर उसका असर पड़ेगा, और उनका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका हमारे जीवन पर भी लंबे समय तक असर पड़ेगा।